बच्चे कुछ नहीं था, ऐसा अंगार गाना गाटी घर दुआ सब कुछ जल गया, कुछ नहीं रह गया, खाली बदन से जो कपड़ा है वही है बस। और जब होएगा तो नेता लोग प्रधान लोग सब लोग आएंगे, बोलेंगे वोट दो, वोट लेके अभी कोई नहीं दिखाई दे रहा है इधर। कॉलेज गई थी, मेरी मम्मी घर में थी, मेरी बहन की तबियत खराब है, कुछ सामान निकाली दो सुविधा के लिए। ध्यान रखो कि सरकार को इतने बोल रहे हैं कि सरकार उन पे जरा नजर डालो, बैठे मत रहो, लेकिन सरकार है तो सरकार आओ। और वोटिंग के टाइम में सब आते हैं, वोटिंग के टाइम में कोई नहीं आता, उसके बाद सब भूल जाते हैं कोई क्या है कोई क्या नहीं। नमस्कार, मैं निशा सरोज और आप देख रहे हैं मुंबई टेलीविजन न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है मुंबई मलाड़ के अप्पावाड़ी इलाके में। दिन पहले ही पूरे 20 सिलेंडर ब्लास्ट हुए थे, जहां पर कई हजारों घर के जो परिवार है बेघर हो चुके हैं। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह वो अपना गुजारा कर रहे हैं। यह जो नज़ारा आप देख रहे हैं यह मलाड़ के अप्पापाड़ा इलाके का है, जहां 13 मार्च को इतनी भयंकर आग लगी कि कुल 2000 से भी ज्यादा लोग बेघर हो गए। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयानक लगी थी। इस आग को बुझाने में कुल 12 से अधिक दमकल विभाग की गाड़ियां मौजूद थी। बता दें, इस आग लगने का कारण 15 से 20 एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट होना बताया गया है और झुग्गी बस्ती में जो आग लगी थी उसका लेवल 3 बताया गया है। इस आग में एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। वहीं हमने भी लोगों का हाल देखा, उनसे जाना कि वो किस तरह अपना जीवन बिता रहे हैं। जरा आप भी सुनिए इनका दर्द। सोना दाना पैसा पानी सब गया मेरा, कुछ बचा नहीं है। देखो ऐसे परिस्थिति में हम लोग अभी जी रहे, आज 20 साल से हम लोग ऐसे इधर है, कुछ शौचालय नहीं है, कुछ पानी का ठिकाना नहीं है, कुछ नहीं है। शौचालय की व्यवस्था कैसी है? वो देखो उधर ही है, 4 लेडीज संडा से और 4 ये है बस, और ये इतना झोपड़पट्टी का सब लोग उधर ही आ रहे हैं। मैं ये खाना खा लेती तो मैं सो जाती, मतलब मैं खाना भी नहीं खाई, दवा भी नहीं खाई। अब कपड़ा उतार रही थी तभी अंगार लगा, कुछ नहीं रह गया बदन पे। हम अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं, हमारा तो झोपड़ी में आग लग गई, सारा सामान बर्बाद हो गया है, किधर सहारा देने वाला कोई नहीं है। यहाँ 3-4 दिन हो गया रह रहे हैं, पब्लिक कोई बिस्किट कोई चाह कोई पोहा कोई रवा कुछ खाना दे रहा है, खा रहे हैं, यही धूप छाँव में समय बिता रहे हैं। जो कपड़ा पहनी हूँ वही कपड़ा सिर्फ बचा है मेरे पास, कोई सहारा नहीं है। एक लड़का था वो भी झूठे केस में लड़की लड़के के चक्कर में अंदर पड़ा है थाना जेल में 2 साल से, वही एक मेरा सहारा था, वो भी नहीं है, क्या करूं। काम पे जाती थी वो भी छूट गया, घर देखूं कि काम देखूं, वही कमा के खा रही थी, वो भी सहारा नहीं है। पब्लिक से और सरकार से मेरा यही विनती है कि मुझे कुछ सहारा दो, मेरी मदद करो, मैं एकदम से ही अनाथ हो गई हूँ, कोई सहारा कोई हेल्प नहीं है मेरे पास। सरकार इतना तो मेरी मदद करे कि मेरे लड़का 2 साल से थाना जेल में है, कम से कम उसको तो छुड़ा देवे कि मेरा कुछ कमाने वाला हो जाएगा, मेरा साथ देने वाला कोई मिल जाएगा मुझे, मेरा बेटा मेरे जेल के अंदर है। आज कुछ बचा ही नहीं तो कैसा गुजारा होएगा, नहीं कुछ भी नहीं हमारे पास बचा है। अभी जो मिल रहे खा रहे, और उसके बाद जहाँ बैठते हैं हम लोग जाते लाइन में, आधा मिलता है आधा नहीं मिलता है, कोई बोलता है तुमको मिल गया, लेकिन एक घर में 2 बाल्टी जा रहा है उसको कोई झाँकने नहीं आ रहा है। खाली हम लोग जाते हैं लाइन में खड़े रहते हैं और बोलेंगे जाओ घर पे, हम लोग आए फिर उसके बाद कूपन देंगे तब हम लोग लाइन में जाते हैं, और हम लोग लाइन लगा के खाने के लिए हम लोग खा करके ऐसे आते हैं लेके प्लेट में। छोटे मासूम बच्चे खाने के लिए तरसते नजर आए, वहीं अपने मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे को लिए माँ इंसाफ की गुहार लगाती नजर आई। आपका घर कहाँ था? इस बीच हमने 10वीं की परीक्षाएं दे रहे बच्चों से भी बात की। इस वक्त हमारे साथ 10वीं के 2 बच्चे हैं, उनसे जानते हैं कि वो अपनी एग्जाम जो है कैसे दे पा रहे हैं।
हमारे पास तो कुछ बुक बुक बचा नहीं है, जो है हमारे पास अभी सिर्फ एग्जाम पैड बचा, हॉल टिकट भी तक नहीं है कि हम लोग एग्जाम दे जा सके। हॉल टिकट हम लोग को स्कूल से मिला जा रहा है, उसी के भरोसे हम लोग जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए। अब बुक से तो हमें अभी तक मिला नहीं है। तो हॉल टिकट आपका था? हॉल टिकट था तो बट जल गया था। वो जल गया था ना, स्कूल से दूसरा लिया हॉल टिकट। दूसरा दिया आपको? हाँ, पेड़ भी सब जला, मतलब स्कूल के सर टीचर जो है वो पेन भी दिए हैं। तो पढ़ाई वगैरह कैसे कर रहे हो? अभी तो कोई ऐसा ही है सर, क्लासेस की तरफ से जाके उधर पढ़ रहे हैं बस। क्लास से क्लास जाते हैं ना, तो क्लास में जितना पढ़ रहे हो उसी से पेपर दे रहे हैं। इतना ही इधर से, और घर पे दीदी तो पे जगह नहीं है कि इधर बैठ के पढ़ सके हम लोग। इधर पे कुछ जगह ही नहीं बचा है, ना बुक्स है कुछ नहीं, क्लासेस में जाके फ्रेंड लोग से लेके पढ़ रहे हैं बस और कुछ। वही लोगों ने बताया कि आग लगने के बाद कोई भी अधिकारी व राजनीति पार्टी के नेता उनसे मिलने तक नहीं आए। कितना परिवार है और कोई जब वोटिंग हट जाता है तब कोई नहीं दिखता है, कोई किसी को ऊपर दुख पड़ा, किसी को ऊपर क्या पड़ा, वो तब देखने कोई दे रहे हैं, सरकार कुछ भी नहीं दे रही। सरकार कुछ नहीं हमको दे रहा है, संस्था वाले दे रहे हैं लोग, कुछ भी हम लोग को कल पत्र भी नहीं दे रहे। तुम लोग गांव में बच्चे हो, जिसके पास बच्चे हैं दो लड़का है, लड़की लेके हम लोग कोई नहीं दे रहा है। सभी पीड़ितों की एक ही मांग है कि हमें घर चाहिए और कुछ नहीं। सर यही चाहेंगे कि हम लोगों को जो भी हो मुआवजा दे, न्याय दे, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम गरीब लोगों को झोपड़ा जल गया, कपड़ा वर जल गया, बर्तन जल गया, जेवर जल गया, कुछ पैसे भी थे वो भी जल गया, उसमें कुछ बचा नहीं है। बच्चे लोग को स्कूल का सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट, पेपर, बर्तन जो भी था सब जल गया है, कुछ बचा नहीं है। अगर जो भी हो हम लोगों से सरकार से मदद चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए किसी को। जितना हो सके हम लोग को रूम चाहिए, रूम चाहिए भाई, हमको खाना नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए। हम लोग को पानी खाना कहीं से खा लेंगे, भीख मांग के खा लेंगे, रोड पर खड़े रहेंगे मिलेगा, लेकिन घर नहीं मिलेगा हमको। घर हम लोग का कोई कुछ नहीं चाहिए, हम लोग का घर चाहिए। हम लोग को घर मिल जाए, बाकी हम लोग नौकरी करके कैसा भी व्यवसाय कर लेगा मैडम। हम लोग को किधर रहना, सब सरकार ने हम लोग को अभी ये देखो अभी सब डर सब लोग के इसमें घुस गए, मतलब ये हो गए सब आदमी लोग के उधर। तो हम लोग को किधर, हम लोग को जागा 15x15 का फिक्स जागा दो, नहीं भी हम लोग को पैसा देगा तो भी चलेगा, मगर हम लोग एक बार आस्ते आस्ते हम लोग पक्का भी कर सकते हैं, मगर सरकार ने माफ के देना मांगता है। तीन तीन बच्चे हम लेके कैसे रहे, मेरे खाना नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा रूम चाहिए। लोगों का दर्द देखने के बाद कई सामाजिक संस्थाएं उनकी मदद करने के लिए आगे सामने आई। कुछ संस्थाएं पानी दे रही हैं तो कुछ खाना दे रही हैं, वहीं कुछ कपड़े देती नजर आई। वहीं हमने संस्थाओं के कुछ कार्यकर्ताओं से बात की। इधर बस्ती सब जल गई है तो हमको पता चला, ऐसे हम लोग आए हमारा जीवन आशीर्वाद सेवा ट्रस्ट, तो हमको दूसरे दिन आके हम लोग ने कल आके दूध बांटा, बिस्किट बांटे, कुछ कपड़े बांटे जितना, और आज वापस फिर आए हैं कि हमसे हो सका। तो अभी कल देखा हमने तो बच्चे लोग अंडे में पानी पी रहे हैं, उनके सब बर्तन जल गए, तो हमको दिल में ऐसा लगा कि ऐसे टफ है जो ढाक के पानी पिएंगे तो बच्चे भी कुछ बीमार वगैरह नहीं होंगे, कुछ कचरा नहीं गिरेगा, उसके वजह से हमने ढक्कन का टप लाया है। और अभी घर घर जाके जिसका घर जो जल गया है तो एक एक टप और वो ढक्कन के साथ हम लोग देते हैं, और दूसरा कुछ कपड़े वगैरह लाए हैं, कुछ सामान जो बर्तन वगैरह थोड़े है बहुत जो जमा किए हैं, तो उन लोगों को जो हो सके जो घर रहेंगे उन लोगों को जो बर्तन नहीं रहेंगे उनके खाने पीने के, जो कल आए तो उनके बच्चे लोग को ग्लास तक नहीं था पानी पीने का, तो हम लोग ने बाटली में दूध दिया और बच्चे लोग को हमने पिलाया। सरकार से भी निवेदन है कि इन गरीब लोगों के लिए कुछ खाने को तो जब होएगा तो कोई भी खिलाएगा, लेकिन उनको कुछ एक छत बना के दे दो। अभी बारिश आने का 2-3 महीना है, इतना तो प्रोजेक्ट होएगा नहीं, लेकिन जितना सरकार से निवेदन है कि जितना हो सके उन लोगों को घर की सुविधा करके दे। मैं जिनके लायक उनके कपड़े जल गए हैं मैं उनको कपड़े ये प्रोवाइड कर रही हूँ, जिन्हें ज़रूरत है वो ले रहे हैं, जिन्हें नहीं है वो नहीं ले रहे हैं, तो मैं जो कर सकती हूँ वो मदद करना चाहती हूँ। बता दें हजारों परिवार जो बेघर हो चुके हैं, बूंद बूंद पानी व खाने के लिए तरसते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में वो अपने काम पर भी नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन वहाँ उनके कार्यालय से उन्हें उनके पगार काटने की भी बात कही जा रही है। क्या काम करते हैं आप? वॉचमैन ही करता हूँ। अभी जा रहे हो काम पे? नहीं, जब संडा लगा तब से नहीं जा रहा हूँ। तो क्या बोले उधर आपके उधर काम पे? अभी क्या छुट्टी दी आपको? छुट्टी दी है। सैलरी काटेंगे? हाँ छुट्टी काटेंगे।
पैसा काटेंगे आपका? हाँ, पैसा काटेंगे। पैसा भी काटेंगे? हाँ। आपने बताया हमारे यहाँ पे ऐसी ऐसी स्थिति होगी, फिर भी हाँ बताया, उसके बावजूद बोले पैसा कटेगा? हाँ।